जो राजा बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा, उससे लिए ज्यादा नहीं बनेगा वो नियम है। और 5 साल बाद में फिर वो देश में एक टोपी को उछला करते थे और वो टोपी जिसके सर पर गिरेगा वही 5 साल के लिए फिर राजा बनेगा। एक समय किसी गांव से एक व्यक्ति घूमने के लिए शहर गया, उनको इस बात कुछ पता ही नहीं, देखा बहुत सारे भीड़ है, बड़ी भीड़ इकट्ठे। अभी वो टोपी को उचालते उचालते वो टोपी कैसे इसके सर पर गिर पड़ा, सब लोग उसको पकड़ करके उछाल रहे कि भैया हमारा देश का राजा, हमारे देश का राजा मिल गया। तो उन्होंने कहा भैया क्या बात है, क्या राजा क्या बनेगा, चक्कर क्या है? बोला हमारे देश का नियम है एक राजा 5 साल के लिए बन सकता है, उसको बाद में वो टोपी उछालते जिसके सर पर गिरेगा वही 5 साल के लिए राजा बनेगा। बोले 5 साल के लिए? बोले हाँ। बोले उसको बाद में बोले चलो तेरे को सब चीज़ दिखाई, उसको ले गई राजमहल में, बड़ा सुंदर राजमहल, आलीशान मकान है, सब सोने चांदी में सब बनी हुई है। उसको बोले अभी इतने ये बेडरूम है। बोले इसको बाद में बोले चलो तेरे को दिखाएंगे सारे एक एक करके। बोले तेरे ये डाइनिंग रूम है। बोले इसको बाद में बोले आगे चलो बोले तुम्हारी किचन रूम है। बोले ये इसको बाद में बोले तेरे ये बैठे कर रूम। बोले उसको बाद में बोले तेरे ये साइन कक्षा है। जितने सब सुंदर सुंदर अप्सरियाँ जिनसे लड़कियाँ दिख रहे हैं ना, तेरे खूब सेवा करते रहेंगे। बोले इसको बाद में बोले आगे चलो ना तेरे को दिखाएंगे। इसको लेते लेते दिखाया, बोले देखो वो दूर में ये जंगल दिख रहा है ना, 5 साल बाद में तेरे को वहीं छोड़ दिया जाएगा। बोले वहाँ पर? बोले वहाँ पर जहरीले सब सर्प और चित्ते बाघ शेर सर्प रहते हैं, बस वही तेरे को नाश्ता कर लेंगे। बोले फिर बोले ये जो बीच में पहले से मगरमच्छी घड़ियाल सब रहते हैं, अगर कोई पार करना चाहेंगे ना वो भी बीच में देखो आ जाएंगे। अभी पहले जो जो राजा वहाँ बनते थे उसको पता है 5 साल के लिए, इसलिए जितना ऐश कर लो, जितने घूम लो, जितने खाना खा लो, जो कुछ करना 5 साल में कर लो। उसको पता था 5 साल में तो मरना ही है, इसलिए जो जितने वो करना कर लेते थे। लेकिन ये व्यक्ति बड़ा चतुर निकला। अभी ये सोच सोच कर कोई चीज़ को भोग नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे नहीं कर रहा है, एकदम चुपचाप घुमसा हैं गुमस होकर बैठे। उसने बताया कहते जो 5 साल के लिए जो रूल है इसको क्या चेंज नहीं कर सकते? बोले तेरे हाथ में सारी चीज है, ये खजाना जो रुपया पैसा ये देश का लोग सब तेरे पास में, लेकिन एक नियम तेरे पास में नहीं, इसका जो रूल है ना इसको केवल तो बदला नहीं सकते, और सारी चीज़ तेरे हाथ में, केवल ये रूल को बदला नहीं सकता। अभी उसने बैठ कर बड़े गहरा चिंता कर रहा, दुनिया का सब लोग जितने अफसरिया सब थी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लड़कियाँ, जिसको क्या हो गया, कुछ गुमका गुमसम होकर बैठ गया कैसे? पहले जो राजा आता था वो तो पूरा जितने जी भर घूमो पियो खाओ मस्ती करो, ये क्या कर रहा है? बस उसने सोच सोच कर बढ़िया रास्ता निकला, उसके हाथ में सारे सैनिक सामान सब कुछ है। उसने क्या किया, वो नाव में बैठा करके हैं उसने लोगों को वो जंगल में ले लिया, ले करके बड़ी सुंदर जंगल को साफ सुथरा करवा दिया, जितने चीते बाघ जितने वहाँ पर जहरीले सर्प जितने हाथी घोड़ा बड़े सुंदर है, उन्होंने चिड़ियाखाना खोल दिया बड़ा सुंदर, उसमें डाल दिया, डाल करके अलग अलग करके। और इधर जैसे राजमहल है इससे भी सुंदर राजमहल वहाँ भी बैठा दिया, सारे पैसा इसके पास में हैं, सारे सैनिक के पास में। और इधर जैसे रोड सुंदर सुंदर बने हुए थे इससे भी सुंदर रोड उसने उधर भी कर दिया। और इधर जितने जनता थे जो अच्छे अच्छे जो बुद्धिजीवी इनके सबको लेकर के वहाँ पर बड़े सुंदर आलिशान सभी का मकान बना करके सबको बैठा दिया। लोग तो देख देख करके हैरान हो रहे थे, बोले भैया पहले जो आता था उतने बोले भोग ही भोग करता था, लेकिन ये तो इधर जैसे राजमहल और उधर ठीक इससे भी सुंदर उसने बना दिया, बड़े सुंदर चिड़ियाखाना भी बना दिया है, म्यूजियम बना दिया,
राजमहल इससे भी सुंदर बना दिया। जब 5 साल खत्म हो गया, बोले भैया बताओ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना क्या। बोले भैया आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, ऐसे राजा हम कभी देखा ही नहीं। पहले राजा तो केवल खाओ पियो भोग कर खत्म, बाहर जंगल में डाल दो, जानवर नाश्ता कर लेते थे। लेकिन तू ही ऐसे एक राजा निकला जो कि इधर भी जैसे उधर भी वैसे दुकान मकान बाजार घाट इससे बढ़िया बना दिया। आज से तू इधर का भी राजा और तुम उधर का भी राजा, दोनों का तुम अभी राजा बन जाओ। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारे जीवन की कथा है। हमने तो यहाँ पर सुंदर मकान बना दिया है, सुंदर हमने बढ़िया सुंदर मकान बनाया, दुकान बनाया, घर बेडरूम बढ़िया। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं इसको बाद में क्या होने, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वहाँ के एटमॉस्फेयर कैसे होगा, वहाँ दुकान मकान कैसे होगा, कभी हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो? कोई नहीं सोच। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे वेद कहता है, अगर तुम्हारे जीवन में 4 ही अगर क्वेश्चन आए ना, तुम समझना तुम इंसान है, नहीं तो तुम इंसान नहीं। बोलो 4 क्वेश्चन किया है। पहले पहला क्वेश्चन है के आमी, मतलब मैं कौन हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले ये चीज जाननी चाहिए, मैं के आमी। फिर बोले किकरिते एथा एलो, मतलब मैंने यहाँ क्या करने के लिए मैंने आया हूँ। हाँ? की बा काज करे गेला, मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं। हमारे तो पिता भी तो गए, उनको पिता भी तो गए, उनको पिता भी तो गए कहाँ, अगर वो हमारा होते तो सब गए कहाँ। फिर मैं जो कर रहा हूँ जिनके लिए, फिर ये लोग है कौन। अगर एक दिन इनको हमें छोड़ना अगर पड़ रहा है, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ यहाँ पर हर समय रह सकते हो, रह सकते हो यहाँ पर नहीं, ये श्वास निकल जाएगा। एक घर में 1 घंटा भी तुम्हें रुकने नहीं दे देंगे, घर से निकालो, बोलो जल्दी निकालो। फिर घर को गोबर मूत्र से पवित्र करो, हैं गोबर मूत्र से पवित्र करो, हैं फिर वो घर में जैसे घुस नहीं जाए। हमारे देश में क्या करते हैं, जो किसी व्यक्ति को जला करके आते हैं ना, बीच में कांटा काट देते हैं और घर को सामने के लोहे रख देते हैं। बोले क्यों? बोले मरने के बाद जो भूत बनते हैं उस घर में घुस नहीं, लोहे को क्रॉस नहीं करता है, हमारे देश में लोहे को रख लेते हैं। बोले जिसने तुमने घर बनाया, जिसने इतना कष्ट करके 2 बार जैसे घर में नहीं आ जाए, इसलिए वहाँ पर लोहे को कांटा गाड़ कर लोहे को रख लेते, 2 बार घर में नहीं आ जाए व्यक्ति, हैं घर में 2 बार नहीं आ जाए। तुमने बनाया तुम्हारा सब कुछ गति जैसे घर में नहीं आए, फिर भूत बन करके उसको डराता है, उसको डराता है। इसलिए कहते के आमी कोथाए छिलाम, मतलब मैं कहाँ था, कि करिते एथाएलाम, मतलब क्या करने के लिए यहाँ आया, और कोथाए जाबो शरीर पतने, जब ये शरीर छूट जाएगी फिर हम कहाँ जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हैं कहते अगर हमारे जीवन में ये 4 क्वेश्चन हमारे अंदर में होनी चाहिए, अगर ये 4 क्वेश्चन होता है ना, वो कहते हैं समझो ये इंसान का पहला सीढ़ी में तुमने प्यार रखे। अगर ये जीवन में ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे नहीं आए, समझना तुम इंसान नहीं, वो मना कर देता है तुम इंसान नहीं। इसलिए आप लोगों ने सिद्धार्थ का कथा सुना, सिद्धार्थ का नाम जानते हैं? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बाद में जो बने, जब इसने जब जन्म हुआ राजा का बेटा था, हर पिता माता चाहते हैं मेरे बच्चा का क्या भविष्य है, तो उन्होंने ज्योतिष को दिखाया, बोले भैया देखो तो हमारे बेटा का भविष्य क्या। बोले देखो तेरे बेटा तब तक संसार में रहेगा जब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा, और जिस दिन घर से बाहर निकलेगा वो साधु बन जाएगा। वो डर गए, एक ही बेटा भविष्य में राज सिंहासन को संभालने वाले, वो कह रहे जिस दिन घर से निकलेगा वो साधु ही बन जाएगा, घर में रहेगा नहीं, इसलिए उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया, उसको हर समय घर में रखते थे। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, बोले भैया बात क्या है, ये मेरे को राजमहल से बाहर निकलने नहीं देते हैं, हर समय घर में हैं, चौकीदारी करके घर में रख रहे हैं। एक दिन उसने मचल गया, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो दुनिया को समझूंगा कैसे, फिर राज्य शासन करूंगा कैसे, मेरे को बाहर जाने दो। राजा ने मंत्री को बोला एक काम करो, इसको साथ में लेकर ना जाओ, घुमा करके फिर इसको वापस ले आना। जब उसने पहला प्यार घर से बाहर रखा, देखा एक बच्चा ने जन्म लिया
अब देखना बच्चा जब रोता जब जन्म लेता है ना, वाह 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 जोर जोर से रोता है। तो उन्होंने पूछा, भैया ये क्या है, ये एक बच्चा रो रहे है क्यों, ये कारण है क्या है, रो रहा है क्यों? बोले इसलिए ये बच्चा रो रहा है, इसलिए ये बच्चा रो रहा है, अभी माँ के पेट में था, और माँ के पेट में जाना और नरक में जाना बराबर है। वो टाटी पेशाब खून पीक को अंदर में था, उसका टांग नीचे सर सर नीचा प्यार कद ऊंचा सर नीचे था, और उसको अंदर बड़ा कष्ट भोग कर रहा था। पेट के अंदर टाटी पेशाब खून पीक में सने हुए था, श्वास में नहीं ले पाता था, है पेट में बड़ा गर्मी है, वो पेट में रहता था। अभी वो पेट से बाहर निकला, वो जो कष्ट में रहता था जो बाहर निकला, हम क्यों रोते हैं बताओ तो, क्यों रोते हो? मतलब ये रोना हमें नहीं चाहिए, ये रोना हमें नहीं चाहिए तभी रोते हैं। मतलब क्यों रोते, दुखी होकर रोते हैं ना, मतलब हमें ये नहीं चाहिए, दुख कष्ट नहीं चाहिए, इसलिए बच्चा इसलिए रोता है। मतलब मेरे को दो बार जैसे पेट में नहीं जाना पड़े, ये नरक में और भोगना नहीं पड़े, ये पेट में इतना कष्ट, श्वास प्रश्वास नहीं ले सकते, टाटी पेशाब खून पीक में रहा, प्रभु हमें और पेट में जन्म मत दिया करो, पेट में मत जैसे घुसने नहीं चाहिए, वो इसलिए रो रहा है। और थोड़ी दूर गए, देखा एक व्यक्ति बीमार में बड़ा कर रहा था, हाँ बीमार में कड़े दुखों कष्ट भोग कर रहा था। बोले भैया ये क्या है, हैं कहते ये क्या है, कहते ये बीमारी में दुख भोग कर रहा है, कहते बीमारी में, कहते ये बीमारी में ये दुख कष्ट भोग कर रहा है, कहते क्या सबको ये बीमारी भोगना पड़ता है, सभी ये बीमारी भोगते। बोले भैया अब देखना साइंटिस्ट यो नहीं, नए 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 सब है नए नए मेडिसिन निकालते हैं, तो बीमारी जो है ना वो नए 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 मेडिसिन निकालते हैं, नई नई बीमारी आ रही है, हैं? और थोड़ी दूर गए, देखा एक व्यक्ति लठिया लेकर चल रहा है, वो चल नहीं पा रहा था, बड़े कष्ट से दुख कष्ट से चल रहा था। बोले ये क्या है, बोले ये बूढ़ा बन गया ना इसलिए चल नहीं पा रहा है, इसलिए लठिया ले रहा है। बोले सबको क्या एक दिन ये लठिया लेना पड़ेगा सबको? बोले जितने चवनप्राश खा लो, जितने सोने का भस्म खा लो, जितने जिम में चले जाओ, एक दिन ये लठिया सबको लेना पड़ेगा, एक दिन ऐसे कोई जो लठिया पकड़ना नहीं पड़ेगा, सबका दो प्यार सबके तीन प्यार होगा ही, लठिया सबको लेना ही पड़ेगा। और थोड़ी दूर गए, देखा एक व्यक्ति को राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य। बोले ये क्या है, बोले एक व्यक्ति मर गया है, उसको ले जा रहे हैं जलाने के लिए। बोले क्या हमें एक दिन ऐसे कंधे पर ले जाएंगे? बोले सबको ऐसे ले जाना, सब ऐसे चलेंगे, हैं सबको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे। और थोड़ी दूर गए, देखा एक व्यक्ति को चिता के ऊपर में लेटा करके वो जला रहे हैं, और डंडे मार मार के उसको कबड़ी तोड़ रहे हैं। बोले ये क्या है, बोले जो मर गया था ना उसको यहाँ पर ला करके और उसको जला रहे। बोले सबको इसको पर सुना पड़ेगा, ये चित्ते के ऊपर सबको सुना पड़ेगा। बोले सभी का लास्ट अंतिम दशा यही है, 100 साल 50 साल में हो एक दिन इसको यही आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। अभी जितना ऐसा वो चीज़ देख रहा था ना, वो उतना गंभीर होते जा रहा था, इतना गंभीर दुखी दुखी हो रहा था, भैया इसे डंडा लेना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, यहाँ पर ले जाएंगे जलाएंगे। और थोड़ी दूर गया, देखा एक संत मस्ती से कोई दुख कष्ट नहीं, वो हंसते हुए भगवान की बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे बड़ा मस्ती से भगवान का नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है बड़े मस्ती से। बोले ये क्या है, बोले तुमने जो देखा है ना, बच्चा जन्म लिया, बूढ़ा हो गया, चल नहीं पा रहा है, जला रहे थे उसको, अर्थी में ले जा रहे थे, वो ये काम कर रहे हैं, एक दिन उसको फिर इसी मातृगर्भ में आना नहीं, और ये बुढ़ापा बंदी नहीं पड़े, कभी मरे नहीं, कभी चिता में जले नहीं, वो ये काम कर रहा है जीवन चक्र से मुक्ति मिलने की, जैसे मुक्ति मिल जाए, हम संसार बंधन से मुक्ति मिल जाए, फिर इसे दुनिया में आना ही नहीं पड़े, वो रास्ता ढूंढ रहा है। बोले भैया ये सबसे बढ़िया रास्ता है, ये सबसे बढ़िया रास्ता है। अरे घर में आकर ज्योतिष ने क्या बताया था, जिस दिन ये बच्चे को आप बाहर निकला बने, ये घर में रह ही नहीं रहेगा, साधु बन जाएगा। अभी तो आकर के एकदम गंभीर चिंता में बैठ गया, भैया ये दुख कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसलिए उन्होंने घर बार सब त्याग दिया, जा करके उसने कठोर तपस्या की, हैं
लेकिन उन्होंने गुरुदेव कहते तो उन्होंने एक गलती काम कर दिया। भले उन्होंने क्या गलती किया, भले उन्होंने कोई सदगुरु को उन्होंने जीवन में ग्रहण नहीं किया, है किसी सदगुरु के चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण नहीं किया और उन्होंने अपनी आप उन्होंने है अपनी आप उन्होंने ज्ञान अर्जन करने के लिए कोशिश किया। इसलिए उनका जो फिलोसफी है ना, उनका जो फिलोसफी है कहते भगवान भगवान कुछ नहीं, हम जीरो से आए हैं और लास्ट में जाकर के जीरो में ही चले जाएंगे, खत्म कर देंगे, बैठे चुपचाप शून्यवाद। इसलिए हम शून्य से आए क्योंकि उन्होंने सदगुरु ग्रहण नहीं किया ना, इसलिए उनको भगवान भगवान कुछ नहीं मिले। लास्ट में वही फिलोसफी निकला सब कुछ जीरो है और अंतिम में जीरो में ही अपना शरीर को लीन कर दो। ऋणम कृता घितम पिबेत, ऋणी करके भी घी पी लो, मरने के बाद कौन किसको देखता है, शरीर तो राग बन गया आत्मा फात्मा कभी नहीं। उन्होंने गुरुदेव कहते उन्होंने ये गलती कर दी। अगर सदगुरु चरण में आश्रय ग्रहण करता है ना फिर तो उसको क्या प्राप्त होता, उसको भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम भगवत भक्ति भगवत गति प्राप्ति होती। इसलिए उन्होंने लास्ट में यही फिलोसफी उन्होंने निकाले और निकाल करके जीरो सब कुछ जीरो ही जीरो कर दिया। देखो यहाँ पर श्री बुद्ध देव ने ये उन्होंने लास्ट में इनका नाम गौतम बुद्ध नाम पढ़ा है, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध नाम पढ़ा है इनका नाम है। इसलिए उन्होंने एक दिन केवल ये चीज को देख लिया ना, इनका मन उनका परिवर्तन हो गया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया और जीवन को उन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दी। लेकिन हम रोज रोज ये सब चीज देखते हैं लेकिन हमारी मन में ना कोई छाप नहीं पड़ता, हम लोग करें थोड़ी। इसलिए बोले पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य चीज क्या है, पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य की चीज क्या है बता सकते हो, पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य चीज क्या है, मृत्यु। कभी ये प्रश्न कर रहे हैं धर्मराज, किसको प्रश्न कर रहे हैं, युधिष्ठिर को, उन्होंने बहुत प्रश्न किया। उसमें एक प्रश्न है पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य चीज क्या है, कौन बोलेगा आश्चर्य, कोई आश्चर्य सबसे मरेंगे ये तो सबके सब मरेंगे, बता आश्चर्य चीज क्या है पृथ्वी में सबसे बड़े आश्चर्य चीज क्या है। सब जानते हैं कि हमें मरना है फिर भी, इसलिए वो कहते आहनी आहनी भूतानी गच्छन्ति जीव जमा मंदिर, हमने अपना आंखों से देखा, हम सिर्फ कम उम्र में हार्ट अटैक में मर गए, हमने स्वयं देखा, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन ये जीव सोचता है वो मर गया हम थोड़ी मरेंगे, वो मर गया लेकिन हम थोड़ी मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, हम तो चिरकाल जिंदा रहेंगे। कहते ये बड़ा आश्चर्य चीज जगत में, कोई मरना नहीं चाहता और एक दिन मरेंगे ये चीज कभी जीव सोचता भी नहीं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं है? अगर चार प्रश्न अगर हमारे जीवन में आ जाए, चार प्रश्न क्या है, मैं कौन हमें क्या करना चाहिए, क्या करने के लिए जगत में आया हूँ, फिर जान मरने के बाद कहाँ जाऊँगा और हमने क्या करके गए हैं संसार से। कभी अगर ये प्रश्न आए ना तो समझना इंसान का जीवन हमारी धन्य हो गया है, धन्य हो गया है। इसलिए यहाँ पर तो जैसे उसने यहाँ पर तो बढ़िया सुंदर मकान बना दिया, लेकिन इसको बाद में जब जाएंगे इसके लिए हमें सोचनी चाहिए, इसको बाद में हमारी स्थिति क्या होगी, स्थिति हमारी क्या होगी। अगर इसी विषय पर अगर कोई सोचता है ना तो समझनी चाहिए बुद्धिमान में। इसलिए कबीर कहता है जगत में मरने में जगत में सब डरे, दुनिया मरने के लिए डरता है। अगर सुन लिया कहीं मुसलमान हिंदू में लड़ाई हो गई, कुछ दिन पहले मेरे में कहीं हुआ तो गांव छोड़कर भाग के सब चले गए हैं सबके साथ। इसलिए हैं कहते मरने के लिए दुनिया सब डरते हैं, लेकिन वो कहते हैं भैया मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ मरने के लिए, क्यों दुनिया तो डरते हैं मरने के लिए तो खुश क्यों हो रहे हो, कहते इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, कब मरिए कब भेटिए परमानंद, मेरे को पता है हम जिंदगी भर प्रभु का भजन कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान की माला जप कर रहा हूँ, भगवान की माला जप कर रहा हूँ, हरिनाम कर रहा हूँ। इसलिए जो भगवान के नाम करेंगे भगवान की भक्ति करेंगे उनके लिए भी आई व्यवस्था होगी, उनके लिए कौन सा व्यवस्था होगी, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था होगी बोलो तो वृंदावन में, उनके लिए अच्छा व्यवस्था होगी। और जो दुनिया क्यों डरते हैं मरने के लिए, अब बताओ क्यों मरने के लिए दुनिया डरता है, जानते हो कष्ट होता है, हाँ कष्ट होता है,
कष्ट होता है। बोले कष्ट क्यों होता है? बोले भगवान की भजन नहीं, भगवान की भक्ति नहीं किया इसलिए उसको कष्ट होता है। उसको पता है मरने के बाद हमको घिसड़ते घिसड़ते ले जाएंगे और ये बैतरणी नदी है। आप मरने के बाद ये पढ़ते हो, मरने के बाद उसको तुम्हें पार करना ही पड़ेगा, डंडे मार मार कर, चाबुक कोड़े मार मार कर उसको पार करना पड़ेगा। इसलिए जब महाराज दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना मेरे पास बतलाओ, कहते उसको प्रमाण किया है भक्ति करता है कि नहीं करता। बोले उसको शरीर में तीन चीज तुमको देखने को मिलेगी। कितने चीज मिलेगी? देखो ये श्लोक है, कहते ललाटे तिलकम, उसको ललाट में तिलक देखो, कंठे नास्ती त्रिकंठी का, गले में त्रिकंठी उसकी तुलसी की माला, और हृदय नास्ती गोविंद, हाथ में भगवान की माला देखो। ये तीन चीज अगर देख लिया समझ जाना कि भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। कहते खबरदार उसको मेरे पास में उनको मत लाना, समझ जाना कि भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए दूर से उनको प्रणाम कर ले कि भगवान स्वयं जब महाराज के, ठीक है ना। इसलिए गला में तुलसी की कंठी में नगर, घर के मालिक कौन है? घर का मालिक कौन है? मालिक मालिक है। आप घर वाली कौन है? और ये तो भक्ति करती है, कंठी है ना तुम्हारी? हाँ है। इसलिए ये तो पालतू है, बीच बीच में निकाल देते, अब तो डाल दी परमानेंट। नहीं हमेशा डालते, एक बार निकल गले से कभी तुलसी की माला नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है ना। और तुम्हारे बच्चे कौन है? ये बेटी दो, और एक बेटी कहाँ है? दो बेटी, एक की शादी होगी और एक बेटी जो करी, दोनों जो करी, नोएडा एक दिल्ली है। दिल्ली है, ठीक है। अच्छा मतलब कंठी पहन लेना, पहले पहनी थी ना, ये चार माला करती है वो, तो उतार दिया थी ये गले से। देखो सारा चीज उतर जाती है। आप देखो मरने से पहले अगर सोने की चेन है ना, पहले निकाल देंगे, सब उतार देंगे, लेकिन ये कंठी ऐसे की चीज है कोई उतारने वाले नहीं। अरे यही है, यही तुलसी कंठी तुम्हारी कल्याण करेगा। देखो आपको एक पुरानी कथा सुना था, बोले एक समय कोई एक व्यक्ति बैलगाड़ी में जा रहा था, जाते जाते हटा तो उन्होंने भयंकर तीन व्यक्तियों को देखा। वो देख कर डर गया, भैया ये क्या बात है, ये कौन है? वो भागने लगे, तो उसने कहा भैया भागने का जरूरत नहीं है। बोले तुम लोग कौन हो, देखने बड़े भयंकर लग रहे हो? बोले हम जमदूत, बोले यहाँ पर किसी पिछले खड़े हो, कनेक्टिविटी चाहिए। बोले थोड़ी देर बाद में एक किसान एक बैल गाड़ी पर आएगा, और यहाँ से एक बैल, एक एक बैल ने गला से रस्सी तोड़ कर भागेगा। जब भागेगा वो किसान उसको पकड़ नहीं जाएगा, वो बैल बड़े घुसा में होगा, वो सींग से चार विष्णुदूत वैकुंठ से आगे, वो जो जमदूत पहले लेने के लिए खड़े थे ना वहाँ से भाग गए जी जान को लेकर के, और वो सीधा भगवत धाम को चला गया। वो जो किसान था वो जमदूत को पूछे, बोले तुम लोग जो बता रहे थे सब कुछ हुआ, लेकिन जो लास्ट सीन बड़े आश्चर्य लगा, ये क्या हुआ, तुम लोग भाग गए क्यों, ये बैकुंठ से चार दूत कहाँ से आए? बोले बीच में एक अनहोनी हो गई। बोले क्या हुआ? बोले बैल ने जब उसको मार करके गिराया, वहाँ पर तुलसी की बगीचा थी, वो लास्ट में वो तुलसी बगीचा के ऊपर में, उसका शरीर तुलसी बगीचा के ऊपर में ही गिरा, वो प्राण तुलसी टच करते हुए गिरा है। और तुलसी में वो तुलसी लक्ष्मी साक्षात सालग्राम प्रसाद शादी होता है, और भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए ये तुलसी में ही अपना स्वरूप रख कर जाते हैं। कहते ना चलो वृंदावन, वृंदावन मतलब क्या, वृंदावन मतलब होता है तुलसी बन, मतलब बन जहाँ तुलसी का बने भगवान वहीं पर हैं। इसलिए तुलसी वृक्ष का स्पर्श हो गया, इसलिए हमारे देश में जब कोई व्यक्ति मरता था ना उसको स्वर्ग के पास में उसको तुलसी विसर्ग, क्योंकि जमदूत नहीं आता है, और चरणामृत तुलसी पत्ता जाकर पानी में गंगा पानी मुँह में, इसमें गंगा पानी लास्ट में देते हैं, गंगा पानी पवित्र है, और लास्ट में उसका जो शरीर को जलाते हैं वो तुलसी वृक्ष, जो सूखा तुलसी वृक्ष को लेकर के उस शरीर के ऊपर में रख करके जलाते हैं, क्योंकि उसका टच से जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए वो मुसलमान ने है? वो मुसलमान ने उस चीज़ को देखा, देख करके भैया बोले तुलसी वृक्ष में इतने शक्ति, मरते समय तुलसी वृक्ष का टच हो गया तो वैकुंठ सीधा गया मुसलमान। उसने आ करके उसने किया कि सूखा तुलसी वृक्ष को लिया, पानी में भिगवाया और अपना हाथों से काटा, काट काट कर माला बनाया और गले में कंठी पहना। हिंदू लोग देख करके बोले तुलसी तो मुसलमान होकर कंठी क्यों पहनते हो,
बोले मैं अपना आंखों से ये चीज को देखा है कि अंतिम समय में केवल शरीर तुलसी वृक्ष में टच हो गया तो वो सीधा बैठने चला गया। इतना महिमा ये तुलसी वृक्ष की, इसलिए तुलसी गले में कंठी, तुलसी कंठ में कंठी होनी चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ गले में तुलसी कंठी पहनना, प्रभु जी अब भी गले में कंठी पहनना, क्योंकि ये शरीर की तुलसी कंठी वगैरह ना ये शरीर पवित्र नहीं होता है। जैसे देखो भगवान को तीनों चीज सामने रख दो लेकिन उसमें तुलसी पता नहीं दोगे ना, भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ये जो शरीर हमारा है कितना खेती जला पाप गगन समीरा पंच रचित, ये अधम शरीर, शरीर अधम शरीर है, शरीर अधम का शरीर है। देखना सवेरे उठो मुंह से बदबू, आंखों से बदबू, नाक से बदबू है, नीचे से तो बदबू बदबू निकलती है, और पसीना हो जाए ना ब्यूटी पार्लर में जाओ सच करके आ जाओ, केवल 5 मिनट बाहर निकल के हाँ गर्मी में आ जाओ, देखना पूरा सारे शरीर से पसीना जब निकलता ना शरीर से कपड़ा बदबू 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 हो जाए, क्योंकि अधम शरीर टाटी पैसा। लेकिन ये शरीर पवित्रता कब होता है, जब गले में तुलसी की कंठी माला धारण करेंगे तब भी ये शरीर पवित्र, नहीं तो शरीर का पवित्रता नहीं होता है, ठीक है ना। गले में फालतू गुता नहीं, पालतू गुता भगवान, ठीक है ना। गले में तुलसी मतलब भगवान की पालतू है। अब कहाँ रहती है सब, कहाँ रहती है देवरानी है नहीं की। ये समझ में आता है कि वेजिटेरियन में होता है ना कि स्वादिष्ट नहीं बनती है, इसका फिर क्या कैसे बताएं। बहुत लोग कहते हैं कि आप वहाँ से भी कहते हैं आप ये तुलसी क्यों पहनते हो, स्वादिष्ट को नहीं पहनना चाहिए। इसलिए जो तुलसी कंठी पहनते हैं ना वो असली सुहागिनी बन जाती है ना। कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, दुनिया का पति ऐसा तो एक आजीव व्रत के लिए भी बोलते हैं। इसलिए कहते बर बरियो गोपाल जो चुड़ल अमर हो जाए, ये कंठी पहन लिया तो असली सुहागिनी बन गई और नकली सुहागिनी खत्म, असली सुहागिनी भगवान की, भगवान की हम बन जाते हैं। कहते ना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, ये असली सुहागिनी, ये पहन लिया मतलब भगवान तुम्हारी, भगवान तुम्हारी प्रियता बन गई, ठीक है ना। सब कैसे गले में कंठी तिलक और भगवान की माला, भगवान की नाम जप करनी चाहिए, ठीक है। माला जप करती हो तो करती है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और तुम्हारे पिताजी करते ये नहीं करते, इसलिए सवेरे उठ करके प्रभु जी थोड़ी सी माला सवेरे जप किया करते, उस दिन भर अपना काम करना। अब देखना जब शरीर छूटेगा, चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, नाम नाम सत्य बोलेगा, तुम्हारी बीवी सच्चा था, तुम्हारी दुकान सच्चा था, मकान सच्चा था, बोले सब कोई बात झूठा है, हाँ राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले भैया जितने भजन किया ना माला जब किया वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ काम किया झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी नहीं जा रहे है। पत्नी रो रो कर दरवाजा तक चलेगी आगे नहीं चलेगी, परिवार श्मशान तक चलेगी उसका आगे कुछ नहीं चलेगा, हाँ। इसलिए मीरा कहती है पायो जिमी ने आगे केवल यही चलेगी और कुछ नहीं चलने वाला है। अगर ये धन को लूट लिया ना बस, मीरा कहती है जिन जिन ने यह माला माल लूट उसको माला माल हुई, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कमाल है। इसलिए ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा राम नाम के लिए, ठीक है ना। सवेरे उठ करके भगवान की माला जप करो थोड़ी सी, फिर दिन भर अपना काम करो। आपका घर तो भक्त का परिवार है, सब भक्त का परिवार है, ये तो बड़े पुण्य करोड़ों करोड़ों पुण्य से ही ये भक्त परिवार मिलता है। पत्नी बच्चे प्रभु की भजन करते हैं, इसलिए भागवत में नरसिंह भगवान कहते हैं वंश में एक बच्चा अगर तुम्हारी भक्ति करने वाले निकल जाए, कहते कुलम पवित्रम, बल 21 जननी कितार्था, जो पिता माता जन्मते थे उनका जीवन धन्य होगा। नृत्यति स्वर्ग पितरी पितरे शाम, जो पहले चले गए पितृपुरुष वो भी नृत्य करना शुरू कर देते हैं। और वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिसे पृथ्वी को पर जन्म लिया पृथ्वी भी धन्य मानती है। एक बच्चा अगर वंश में भक्ति करे, आपका पत्नी भक्ति कर रहे हैं, बेटी भी माता करती है, आप भी भक्ति कर फिर तो तुम्हारे घर में भक्त ही प्रहलाद तुम्हारे घर में, हाँ ध्रुव प्रहलाद सब आप घर में ध्रुव प्रहलाद जन्म
ठीक है ना, इसलिए माला करना है। ठीक है, माला है कि नहीं? नहीं है। ले माला ले करके और हरि नाम करना। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आज शाम को आ जाना मंदिर में, ठीक है ना। आज हम वहाँ कथा करेंगे शाम, कितना बजे? छः बजे से सात तक होगी। फिर आरती कितना बजे? साढ़े सात बजे। ठीक है, वहाँ थोड़ी समय हम कीर्तन कर लेंगे, एक घंटा कथा होगी। ठीक है, एक घंटा हो जाएगी। साढ़े सात में कथा को विश्राम आरती, फिर आप लोग अपना घर में चलेंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी जय, जय श्री राधे। बोले हरे कृष्ण 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 Hare Krishna।
भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा होना, ये तो घर नहीं तो भगवान का धाम हो गया है, भगवान की धाम। देखो ये जो मृदंग बजती है ना, जानते हो मृदंग कौन है? बलराम जी। बलदेव प्रभु। जिस घर में वो गैया की चमड़ा से बनती है, मतलब जिस घर में ये मृदंग बज जाती है, इसकी आवाज जितने दूर तक इसकी आवाज जाती है, तो घर में कोई भूत पिशाच डाके साकिन कोई गंदी चीज नहीं जा सकती घर में इतने। इसलिए भूत है ना, इस चीज को नहीं डरते हैं, केवल इसको डरते हैं। अगर ये बच गया किस घर में, ये बच गई, ये बढ़िया है। आप देखना जहाँ पर गैया होना भूत हुआ नहीं आती, इसलिए जो चमड़ा है वो गैया की चमड़ा से बनती है। और ये बलदेव प्रभु, इसको हम सख्यात श्री दाऊ भैया बलदेव प्रभु मानते हैं, गुरु तत्व है। इसलिए ये घर में बजने का बड़ा महत्व है। और घर में एक बार बज जाए ना घर में, बस इसकी आवाज से जहाँ जहाँ उल्टा पुल्टा हवा हवा होती है वो घर से निकल जाती है, घर से वो निकल जाएगा घर से। हाँ, हम एक परिवार में जाते हैं, उसको घर में ऐसे कुछ हवा था, उसका बच्चे के बाहर गया था जब वो घर में आया उसके साथ में कोई उल्टा हवा आ गई घर में। अभी वो बच्चा जब घर में जाता है उसको लगता है घर में कोई है, फिर वो घर में सो नहीं पाता है, घर में उसको नींद घर में नहीं आती। तो उन्होंने एक दिन हम घर में बुलाए, वहाँ पर कीर्तन किया, खूब भगवत कीर्तन भजन हुई। जब हम लोग चले गए ना, वो फोन करता है, बोले बाबा आप जब से आकर कीर्तन कर गए ना, अब भजन किया आप घर में हमको शांति सुख मिल रहा है, घर में हमें शांति सुख मिल रहा है, लग रहा है हमारा घर पवित्र हो गया, घर हमारी पवित्र हो गई घर। इसलिए अब जिस घर में हरी चर्चा होती है, जिस घर में भगवान की कथा हो गई, वो घर घर नहीं कहते सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ आकर उस घर में निवास हो। अगर जिस घर में संतों का चरण धूलि नहीं पड़ता, घर में हरी कथा कीर्तन नहीं, कहते घर कभी पवित्र नहीं होता, घर का कभी हाँ घर पवित्र घर के नहीं होता। इसलिए बड़े भाग्य से, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में दो चीज दुर्लभ है, बोले क्या है, बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, बोले संतों का समागम और जो भगवान की कथा है तुलसी, कहते ये दो चीज बड़े दुर्लभ, बोले बीत दारा और सुत पापी को भी हो, ये पापी घर में भी रुपया पैसा घर दुकान मकान एक पापी घर में ही होता। रावण का घर में भी बहुत पैसा था और एक से एक सुंदर स्त्रियाँ थी और पता नहीं 1,25,000 नाती और कितने पोते थे उसके, लेकिन भगवान की कथा कीर्तन ये दो चीज जगत में दुर्लभ है। इसलिए समझो आज हम लोगों का बड़े अच्छी चीज, बहुत अच्छा दिन है जो घर में भक्त लोग आए, कीर्तन में भगवान की कथा सत्संग हो, समझो घर में हमारी पवित्र हो गया, घर का पवित्र हो गया। बोले श्री वृंदावन की जय। जय जय श्री।